नमस्कार दोस्तों, हम जन विकास आवास से बच्चेलाल जायसवाल यहाँ संत कबीर नगर लोहारचाल में आए हुए हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं जो दी हुई है, इनमें से यहाँ तक क्या क्या सुविधाएं पहुँची हुई हैं, क्या क्या नहीं पहुँची हुई। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानेंगे कि इनके पास क्या क्या सुविधाएँ मुहैया कराई गई हैं सरकार की तरफ से, और क्या क्या सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं, अभी तक इनके पास क्या क्या सुविधा नहीं पहुंची है। तो यहाँ के स्थानीय हैं भाई, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रवि यादव। तो सर, यहाँ पे सरकार की तरफ से जो मुहिम चलाई गई है उसमें से आप लोगों को कुछ मुहिम यहाँ तक पहुंची है कि अभी तक नहीं पहुंची? नहीं, यहाँ तो कुछ भी मुहिम का कुछ भी बेनिफिट यहाँ के लोगों को नहीं हुआ है। तो इनका कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से जो भी मुहिम चलाई गई है यहाँ तक नहीं पहुँची है। ये बसई ईस्ट का लोहारचाल है, यहाँ तक सरकार की कोई भी मुहिम अभी तक आई नहीं है। तो आप लोग का गुजर बसर कैसे हो रहा है यहाँ पे? अब यूँ समझ लीजिए कि यहाँ गुजर बसर ना के बराबर हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो हमारा लोहारचाल है, संत कबीर नगर है बराबर, यहाँ के अधिकतर जो लोग हैं ये मजदूर हैं, जो सुबह उठते हैं दिहाड़ी के लिए जाते हैं, उन्हें मिला तो मिला, नहीं मिला तो रिटर्न आ जाते हैं बराबर, ऐसे लोग हैं। तो जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ के लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है। खाने के लिए मतलब ऐसा है कि अभी मैं कुछ 10 घर में देख कर आ रहा हूँ जिनके घर में सिर्फ एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी आटा, बस इतना ही है। वो बंदे जो हैं वो रो रहे हैं। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अगर कुछ मदद हो सकती है तो जल्द से जल्द यहाँ की मदद की जाए। और अभी हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मदद अब तक तो मिली नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि जो हमारी संस्था है, संस्था की तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिलजुट के एक दूसरे की मदद करें। इसके लिए हम लोग अभी 10-5 रूम घूमे हैं, अभी और घूम के उनकी मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे 14 दिन का लॉकडाउन हो चुका है, यहाँ तक अभी तक कोई भी सुविधा सरकार की पहुँची नहीं है। यहाँ पे स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ के गरीब लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। इसके लिए हम दूसरे के पास चलते हैं और दूसरे से जानेंगे और क्या क्या शिकायतें और दिक्कत इनको झेलनी पड़ रही है। जी सर, नमस्कार। बोलिए सर, यहाँ पे आप लोगों को कुछ सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही है उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, सुविधा के नाम पे तो यहाँ पे कुछ भी एक पैसे का सुविधा नहीं है। मैंने नगर सेवकों से भी बात किया, आज 10 दिन हो गया, लेकिन कोई भी नगर सेवक ने व्यवस्थित जवाब नहीं दिया। उनको मैंने यहाँ तक पूछा कि भाई यहाँ पे जो दिहाड़ी मजदूर है उनके घर में इतनी तकलीफ है कि खाने के लिए मतलब 2-3 दिन से पार्ले खा के जी रहे हैं। तो हम लोग जो हमारी संस्था के लोग हैं, हमारे उसके पदाधिकारी हैं, जितना हो सके उनको मदद कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक हमारी भी एक सीमा है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जनसंख्या है इस पूरे चाल की, आप देखेंगे तो 10,000 के ऊपर जनसंख्या है। ना तो नगर सेवक यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, ना यहाँ के कोई MLA ध्यान दे रहे हैं, ना कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, तो आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? तो यहाँ पे इनका कहना है कि जनता के जितने भी प्रतिनिधि हैं कोई आया नहीं है यहाँ पे इनको पूछने के लिए, और यहाँ के नगर सेवक से ये बात कर चुके हैं, यहाँ के नगर सेवक से बात कर चुके हैं, लेकिन नगर सेवक ने भी इनको नकार दिया है कुछ करने के लिए। बसई ईस्ट एरिया में, सातीवली में, यहाँ पे सब लोहारचाल में हैं फिलहाल में। तो यहाँ के स्थानीय लोग से जानेंगे कि इनको क्या क्या सुविधा मिल रही है अभी तक सरकार की तरफ से, और क्या क्या सुविधा नहीं मिल रही है, हम यहाँ के स्थानीय लोग से जानेंगे। हमारा साहब ऐसा प्रॉब्लम है कि अकेला वाला आ ही नहीं रहा है कि खाना बन पाए, हाँ, और उसके बाद राशन भी नहीं है, 3 बच्चे हैं, ऐसे ही भूखन भी कहीं भी ऐसे ही रह सकते हैं, कोई काम वाम तो है नहीं कि करने सके, कंपनी भी बंद हो गए, रकेल भी आता था बेचने वाला वो भी बंद है। किसी के घर में खाना नहीं है तो किसी के घर में रकेल नहीं है, किसी के घर से 1.25 किलो चावल निकल रहा है तो किसी के घर में वो भी नहीं है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, इतने दिन से कंपनी बंद है, यहाँ पे कोई अधिकारी पूछने भी नहीं आए हम लोग को कुछ कि हाँ आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं, कैसे घर में खर्चे चल रहा है, कैसे नहीं, हम लोग भूखे यहाँ पे पड़े हैं। यहाँ के नगर सेवक को आप लोग ने बताया ऐसी ऐसी समस्या है, आप हम लोग के पास कोई आया ही नहीं पूछने के लिए, तो कहाँ हम लोग जाएं बताने के लिए? जितने भी जनता के प्रतिनिधि हैं
काम किए हैं वो भी जितने भी जनता के प्रतिनिधि हैं वो खुद यहाँ पे नहीं आके इनसे मिल रहे हैं। दुकान पे जाते हैं तो महंगाई बढ़ी है, 10 रुपया का सामान 20 रुपया का मिल रहा है, कहाँ से हम लोग खाए ले दे। 60 रुपया किलो चीनी मिल रहा है कि चाय भी पीकर बिताए हम लोग, चाय भी नसीब में नहीं आ रहा है कि चीनी लेकर चाय पीकर बिताए दें। आइए थोड़ा आगे भी बात करते हैं महिला, आपको सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मिली यहाँ तक? कुछ नहीं, हम लोग को ऐसा है, अब लोग सब सामान ले आते हैं कम पैसा में, तो ज़्यादा हम लोग पैसा में देते हैं, हम लोग किधर से पाया गया राशन। तो सबका कहना यही है कि यहाँ तक अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा आई नहीं है। आज 15 दिन का लॉकडाउन, धीरे धीरे 15 दिन का कोरोना महामारी से जूझते हुए 15 दिन का लॉकडाउन हो गया है। इसमें कि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ ही खाते हैं, तो वो हम उसी चर्चा में बात कर रहे हैं यहाँ सातीवली में। तो आइए और बात करते हैं आगे। देखिए सर, हम लोग का आदमी अंक के ऊपर काम करते हैं, जो अभी काम किए है वो भी पैसा नहीं मिला है, और जब इतना महंगाई बढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा सब लोग अपना काम चलाते हैं। हाँ, इस 15 दिन के लॉकडाउन में आपका काम कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है वो थोड़ा बहुत, तो बच्चे लोग हैं, क्या करूँ, पैसा नहीं है, पगार भी नहीं मिला है। तो आप लोगों को यहाँ के नगर सेवक, के यहाँ के जनता प्रतिनिधि ने कुछ सरकारी जो मुहिम चलाई गई है तो उसमें से आप लोगों को कुछ मुआवजा मिला है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। अभी तक आप देख रहे हैं कि जितने भी महिलाओं से हम बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला है यहाँ तक, यहाँ इनका घर कैसे चल रहा है। इसके लिए यहाँ के नगर सेवक और यहाँ के सरकार को सोचनी चाहिए कि ये गरीब आदमी हैं तो इनको खाना कहाँ से आएगा।